दीपावली के पहले पुष्य नक्षत्र और धनतेरस पर खरीदी की जाती है। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं शुभ फल देने वाली और अक्षय रहती है। आओ जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, पीतल, तांबा, धनिया, बही खाते, कपड़े, झाड़ू, पीली कोड़ी, नमक का पैकेट, धार्मिक साहित्य, औषधि, खील पताशे, माला, सजावटी सामान, गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति, श्री यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, चांदी के सिक्के, गहने, मिट्टी के बर्तन, दिए आदि सामान खरीद सकते हैं। आओ अब जानते हैं कि ज्योतिष मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन कौन सी 8 वस्तुएं भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। पहली, लोहा। लोहा शनि की धातु है, इसे लाने से घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। दूसरी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम राहु की धातु है, यह भी घर में दुर्भाग्य का निर्माण करती है। तीसरी, स्टील। स्टील भी लोहा ही है, इसे खरीदने से घर में दरिद्रता आती है। चौथा, प्लास्टिक। प्लास्टिक खरीदने से बरकत में कमी आती है और इससे घर में नकारात्मकता फैलती है। पांचवा, कांच। कांच या कांच के बर्तन भी राहु की वस्तु है, जिससे घर में राहु का प्रवेश हो जाता है। छठा, काले रंग के कपड़े। इस दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही रंग शनि और राहु के रंग हैं। सातवां, तेल या घी। इस दिन तेल या घी भी नहीं खरीदना चाहिए। आठवां, चीनी मिट्टी के बर्तन। इस दिन चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर में बरकत नहीं रहती है।